Camera, camera. Yes. Don't stop, police. No? What? Police, police. Oh, sorry. No. You're recording right now? Yeah, I'm recording myself. You're recording yourself? Yeah. Okay. Stop a little bit. Boost it. Stop? Yeah, you boost it. Okay. Djibouti. एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि एग्जिस्ट भी करता है। ये कंट्री इतनी छोटी है कि शायद आपको वर्ल्ड मैप में दिखे भी ना। लोकेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका नियर टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी एंड इन दिस वीडियो आई विल टेक यू टू दिस कंट्री एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग शायद बहुत ही ज़्यादा महंगा और मे बी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कंट्री। तो इनका नाम है फरहान और ये मेरी तरह इंडिया से जिबूती ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू अफ्रीका वेयर दे स्पीक अरबिक और मैं लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने इनसे बात करी कि ये मेरे लिए टैक्सी बुक करके दे जस्ट सो दैट टैक्सी ड्राइवर्स मेरे से ज़्यादा पैसे ना ले लें। बट मैं शायद भूल गया था कि मैं अफ्रीका में हूँ एंड नथिंग हियर हैपेंस अकॉर्डिंग टू प्लान। And how much I should pay him? You have to pay, you know, 250. 250? 2,500. You have to pay it. Okay. He will drop you near to the hotel. Hotel. Okay. If he will not drop you, call me. You know, you have my number, right? Yeah, I have taken. But you have to give me. 5,000. Yeah. Call him. Thanks, man. Okay. Thanks. अराउंड 18 घंटे दुबई में लेवर के बाद फाइनली अभी मैं जिबूटी लैंड किया हूँ। एक ख़ास बात यह है कि मेरे को एक लोकल मिल चुका था यहाँ पे जो इंडिया से ही आ रहे थे जिबूटी, तो उन्होंने आपने वीडियो में देखा होगा उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से प्राइसिंग वगैरह सेट करके दिया मेरे को। यहाँ पे दिक्कत क्या है क्योंकि जिबूटी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका में आती है, टैक्सी ड्राइवर्स टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट से मेरा होटल जो है वो अराउंड 9-10 किलोमीटर है और उनको मैं टैक्सी ड्राइवर को अराउंड मैं 10 किलोमीटर के लिए अराउंड 1,000 से 1,200 रुपये पे कर रहा हूँ जो ठीक अमाउंट है, मतलब ये ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पे मैंने सुना है कि टूरिस्ट को 3,000 से 4,000 रुपये भी ले लेते हैं टैक्सी ड्राइवर्स। यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है, उबर वगैरह तो मतलब यहाँ पे नामो निशान नहीं है। 2,500 में? As usual, जिसका मुझे डर था टैक्सी ड्राइवर refused to give me my luggage and wanted more money. वैसे भी बहुत टाइम से इसने भी टूरिस्ट नहीं देखा हुआ जिबूती में, चांस थोड़ी छोड़ सकता था वो। Anyways, welcome to Africa. Just give me the luggage. Yeah, I'll give you. Give me 1,000. Mercy. तो ये रूम मिला है अपने को, ये रूम मेरे को अराउंड कुछ 6,000 जिबूटिन फ्रांस में पड़ा। 6,000 जिबूटिन फ्रांस अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 2,300 के करीब का पड़ता है पर डे। बट ये रूम बहुत बड़ा है, मुझे पता नहीं इतना बड़ा रूम मुझे ज़रूरत भी पड़ेगा कि नहीं। ये एक बेड है और ये डबल बेड है।
पर दिस इज़ द चीपेस्ट अकोमोडेशन आपको जिबूटी में मिलेगा, समझ जाओ आप कितना कॉस्टली जिबूटी है। सबसे फनी बात ये है कि जब मैं एयरपोर्ट में लैंड किया, मेरे पास COVID-19 का जो RT-PCR टेस्ट होता है वो मेरे पास है और नेगेटिव है, उसका वैलिडिटी भी कुछ 96 आवर्स है अकॉर्डिंग टू जिबूटी, उसका कुछ 76 आवर्स है, तो सब कुछ बढ़िया है, कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही हम जिबूटी एयरपोर्ट में लैंड किए, ज़बरदस्ती हमसे कुछ $30 का मतलब ऐवे ही कुछ एक टेस्ट करवाया, टेस्ट भी नहीं बोलूँगा उसको मैंने, उन्होंने मेरा सैंपल लिया, मुझे रिपोर्ट तक नहीं दिया, एक शीट दे दी मेरे को, $30 ले लिए और बोला कि अब जाओ, एक मेरे को शीट दे दिया, शीट में पता नहीं क्या लिखा है, ये देखिए आप ऐसा कुछ है पता नहीं। एनीवेज वेरी गुड मॉर्निंग, आज है मेरा जिबूटी में दूसरा दिन, कल शाम को बहुत थक के आए थे हम लोग, तो उसके बाद फिर मैं उसके बाद सो गया, मैं ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं आप लोगों को। अभी मैं बाहर निकला हूँ जिबूटी के, अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 10:30 बज रहे हैं, धूप काफ़ी है और अभी मैं फ़िलहाल गोप्रो को पकड़ के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों कैमरा पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं जितना भी छुप छुप के मैं शूट कर सकता हूँ वैसे शूट करूँगा मैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं बताता हूँ, जिबूटी इज़ नॉट एट ऑल ए टूरिस्टिक प्लेस, यहाँ पर ये एक्चुअली जिबूटी एक डिफेंस बेस है, बहुत सारे कंट्रीज़ के, US, चाइना, फ्रांस, बहुत मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे डिफेंस बेस है, और ये कैमरा फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुने हैं जहाँ पर जो भी वीडियो बनाने आया है यहाँ पे उसको बहुत बुरी तरह से चार्ज किया गया है फ़ाइन के बेसिस पर, कि यहाँ पर नहीं शूट करना चाहिए, जर्नलिस्ट अलाउड नहीं है यहाँ पर, कोई आपको यहाँ पर यहाँ की रियलिटी दिखाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पर ज़्यादातर, तो थोड़ा सा रिस्की है, देख के करना पड़ेगा। सलाम वालेकुम, ये कैमरा इंडिया 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 यहाँ पर मैं ATM आया हूँ थोड़े बहुत कैश निकालने के लिए, ईस्ट अफ्रीका बैंक है यहाँ पर। आधा टाइम तो मेरी फटी पड़ी है यार, सही बता रहा हूँ, कोई कैमरा देख के खुश हो ही नहीं रहा यहाँ पर, जिसके पास भी कैमरा लेके जा रहा हूँ वो बोल रहा है नहीं नहीं कैमरा नहीं दिखाओ, कैमरा नहीं दिखाओ। तो मैंने कैश निकाला अराउंड कुछ 10,000 जिबूटियन फ्रांस, और 10,000 जिबूटियन फ्रांस को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा इंडियन रुपीस में तो अराउंड इन शॉर्ट 1,000 जिबूटियन फ्रांस इज़ इक्वल टू 400 रुपीस, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है गाइस, आज है फ्राइडे, आप ये देख सकते हो, आज मैक्सिमम सब कुछ बंद है यहाँ पे, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को यहाँ पर सब कुछ हॉलीडे होता है और मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं सब बंद होती हैं, शॉप्स वगैरह सब कुछ। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये कंट्री के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा है, सही बता रहा हूँ। मैं कल से आया हूँ यहाँ पर और मैं बहुत ज़्यादा गरीबी देख रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ रहे होगे कि ये कंट्री में ऐसा क्या है जो सब कुछ इतना महंगा है, यू नो, अगर आप होटल की भी प्राइसेस ले लो, अगर आप खाना की भी प्राइसेस ले लो, छोटे से छोटे चीज़ों की भी प्राइसेस ले लो, तो बहुत ज़्यादा महंगा है सब कुछ यहाँ पर, और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर क्या ऐसा क्या है जो इतना महंगा है सब कुछ, ठीक है, द थिंग इज़ यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है, बट सलाम वालेकुम, यहाँ पर जो है वो है कि यहाँ पर आर्मी बेसिस है और ये आर्मी बेसिस के वजह से ही जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं यहाँ पे।
कल से बहुत अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, जहाँ पे मैं होटल, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत छोटा कैमरा है, अगर मैं बड़ा कैमरा लेके जाऊँ, नॉर्मल डेज़ में जाऊँ, फ्राइडे है आज, फ्राइडे इसलिए इतना खाली है तो कुछ ना कुछ शूट कर पा रहा हूँ मैं, नॉर्मल डेज़ में तो यार इकट्ठा कर लेंगे सारे, मतलब घेर घेर के रख लेंगे सारे बच्चे छोटे छोटे जो यहाँ पे गरीब बोल सकते हो आप लोग। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ जिबूटी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, राइट? आई एम श्योर आपके 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 दिमाग में ये आया होगा कि यहाँ पे ना तो टूरिज़म है, ना तो यहाँ पर ये कैमरा फ्रेंडली जगह है, तो मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। द ओनली रीज़न मैं यहाँ पे आया हूँ वो है मेरे नेक्स्ट कंट्रीज़ के वीज़ा लगाने के लिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सोमाली लैंड, जो मोस्टली मैं मे बी एक दो तीन दिन में निकल जाऊँगा, यहाँ पर मेरा रुकने का प्लान तो है नहीं, बट सोमाली लैंड का वीज़ा आपको बस जिबूटी पे ही मिल सकता है। अभी एक बहुत अजीब इंसान आ रहा है मेरी तरफ, मुझे पता नहीं क्या करेगा ये। सलाम वालेकुम। यस, ये सॉरी, और सोमाली लैंड का वीज़ा बस आपको जिबूटी में ही मिल सकता है। सोमाली लैंड सोमालिया कंट्री के अंदर आता है। मैं आपको बताऊंगा सोमाली लैंड और सोमालिया के बीच में डिफरेंस क्या है वो बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल मेन रीज़न मेरा जिबूटी आना यही है कि मैं सोमाली लैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकूं। और सोमाली लैंड का वीज़ा मैं इंडिया से भी अप्लाई कर सकता था, बट उसका वीज़ा अराउंड 15,000 से 20,000 रुपये तक पड़ जाता है अगर मैं इंडिया मंगवा रहा हूँ वीज़ा, बहुत ज़्यादा महंगा है, इसीलिए मैं जिबूटी आया हूँ यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की गरीबी से मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मेरे को कुछ नहीं है, बट अगर जब देश कोई गरीब हो ना तो जो लोकल एक्सपीरियंस है ट्रैवल करने का वो बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैक्सिमम लोग जो भी मेरे को मिल रहे हैं अभी दूसरे कंट्रीज में, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ईरान में किसी से मिलता था तो उनका मेन मोटो होता था कि या तो वो मुझे हेल्प करें, और हेल्प करने के बाद वो मुझसे कुछ चार्ज नहीं करते थे। बट यहाँ पर स्पेशली मेरे को पता नहीं आगे के अफ्रीका में मेरे साथ क्या होने वाला है, बट इन जिबूटी स्पेशली एयरपोर्ट से लेकर, लिटरली बताऊँ एयरपोर्ट से लेकर आज यहाँ अभी मैं फ़िलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मेरे साथ कुछ अराउंड 6 से 7 किस्से ऐसे हो चुके थे जहाँ पर लोकल्स मेरे को चाह रहे थे कि मेरे को हेल्प करें, और हेल्प करने के बाद उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि वो मेरे से पैसे लेंगे। और ये मैं समझ सकता हूँ कि यू नो कंट्री कंडीशन ऐसी है, बट इससे जो लोकल एक्सपीरियंस है ट्रैवल का वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। बट यार वही यार, हर एक हाथ के देखो 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा ही, मतलब आप आ ही नहीं सकते यहाँ पर, आओ यहाँ पर, बट शायद आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये कंट्री से मुझे ये एक्सपेक्टेशंस लगा के आ रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन मत लगाना। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सब कुछ ही ख़राब है यहाँ पर, बट एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपका कुछ पर्पस नहीं है यहाँ आने का तो मत आओ, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पर कुछ करने के लिए। आपको इंटरनेट में भी जिबूटी के बहुत कम व्लॉग्स मिलेंगे, या फिर यू नो जितने भी व्लॉग्स हैं वो या तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, या तो फिर लोकल थोड़े बहुत यूट्यूब के वीडियोस देखे मैंने, बट ऐसे खास कुछ ज़्यादा व्लॉग्स यहाँ पर नहीं है। और नंबर वन रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, और वैसे कुछ यहाँ पे है नहीं कुछ करने के लिए, तो भले यार कोई आएगा क्यों यहाँ पर, अनटिल अनलेस आपको कुछ पर्पस नहीं है, जैसे मेरे यहाँ पे पर्पस है मेरे को वीज़ा लगवाना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आपको, जितने भी लोकल्स हैं वो आपको अरबिक और फ्रेंच बोलते हुए मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि फ्रांस ने यहाँ पर कुछ अराउंड 100 ईयर्स से भी ज़्यादा रूल किया हुआ है, यहाँ पर मिलिट्री फ्रांस की है, यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी चीज़ें आप, जितने भी बिल्डिंग्स देखोगे उसमें भी आपको फ्रेंच कल्चर, मतलब फ्रेंच कल्चर का जितना भी आर्किटेक्चर है वो मिलेगा आपको। या थैंक यू।
क्या करेगा ये? कैमरा यस, पुलिस नो, पुलिस नो, सॉरी।